नहीं हो सकता, बट अल्ट्रॉन को रिवाइव करा गया। पर जॉनाथन तुरंत के तुरंत वहां पे उन्होंने गाड़ी स्पॉट करी, टायर पूरी तरीके से बस करेंगे, गिल वहां पे गाड़ी लेके गए, उन्होंने रिवाइव करा, बट क्या वो जोन के अंदर पहुंच पाएंगे क्योंकि दोनों स्क्वाड जोन के बाहर। बट दूसरी साइड सोल वर्सेस एमओएम की जो फाइट थी वो भी चलती हुई, वैक्सी वो भी इसी के साथ खत्म, एंड ओआर की स्क्वाड इस मैच से बाहर। बिल्कुल, एंड वहां पे अगर हम बात करें टीएसएम की तो उन्होंने अभी के लिए ट्रिगर की मुश्किलें जरूर से बढ़ा करके रखी हैं, वाइपर जो कि नॉक्ड आउट है उनका फिनिश सिक्योर हो जाएगा। अगर हम बात करें टीम गॉडलाइक वर्सेस टीम एक्सपार्क, इस फाइट में अभी के लिए टीम गॉडलाइक पूरी तरीके से जोन के बाहर है, और यहां पर काफी ज्यादा देर से मवी एक ही स्पॉट पे मौजूद थे, टेस्ट उनको स्पॉट करके नॉक जरूर से कराए, और अब थोड़ा प्रेशर जरूर से आएगा टीम एक्सपार्क के ऊपर क्योंकि दो प्लेयर उनके ऑलरेडी जोन के बाहर थे। बात करें टीम गॉडलाइक की तो यहां Z-God रोनक को स्पॉट करके डाउन करेंगे, और यहां पे फिनिश जो है वो भी पूरी तरीके से सिक्योर करने की कोशिश रहने वाली है। टीम गॉडलाइक एक तरीके से फंस चुके हैं आप देखिए मेजी, क्योंकि अब इनको ओपन में जाना पड़ेगा सर्कल के अंदर, टीम एक्सपार्क ने ऑलरेडी उनको पेन डाउन करके रखा हुआ है। जॉनसन जो है वो भी के लिए ट्री का कवर लेकर के जरूर जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ओपन में हमें देखने को मिल जाएंगे, एक प्लेयर जाएगा स्काउट ओपी के साइड से, दो प्लेयर्स वहां पर नॉकआउट हो जाएंगे। जॉनसन एक आखिरी उम्मीद अपनी टीम की यहां पर जरूर से हमें देखने को मिल रहा है, हील करेंगे अपने आप को, दो खिलाड़ी उनके ऊपर पुश करेंगे, क्या एक 1v2 यहां पर आने वाला है, एक ही हम जो कि क्लोज रेंज 20 रिवाइवल इजीली।